हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल वैकेंसी फॉर यू। फ्रेंड, आज हम आपको बताएंगे कि डीएमआरसी के कट ऑफ 2020 के बारे में। फ्रेंड, उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और साथ में ऑल पर भी क्लिक कर लीजिएगा जिससे आपके पास हमारे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन जाते हैं। और फ्रेंड, हमें एक लाइक ज़रूर करिएगा जिससे हम आपके लिए ऐसे वीडियोज़ बनाएँ प्रोग्रेस हो के। और फ्रेंड, आप हमारे नए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा जिससे आपके पास और आपके फ्रेंड सबके पास ये नॉलेज हो। फ्रेंड, आप हमारे और तो फ्रेंड, हम आपका टाइम बिना वेस्ट किए हुए अब हम आपको लेके चलते हैं आपके ये उस 100% प्रूफ के कट ऑफ के, आपके उसमें पूरी नॉलेज हम देंगे। देखिए फ्रेंड, हमने आपको कट ऑफ की जानकारी दे रहे हैं, इसमें पोस्ट वाइज कट ऑफ आप देख लीजिए। कट ऑफ दिल्ली 2020 मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने भारत में सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क के लिए एक पात्र कर्मचारी को प्राप्त करने के लिए 17 फरवरी से 26 फरवरी 2020 तक विभिन्न पदों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की थी। डीएमआरसी की अधिसूचना कार्यकारी और कार्यकारी पदों की 1493 रिक्तियों के लिए जारी की गई। यह सिर्फ 1493 रिक्तियों की जारी करने के लिए की गई थी। जैसा कि कुछ पदों के लिए डीएमआरसी परिणाम घोषित किया गया, उम्मीदवार को डीएमआरसी के 2020 के कट ऑफ देखने चाहिए। नियमित और अनुबंध पर आधारित विभिन्न कार्यकारी पदों के लिए कट ऑफ देखें तो फ्रेंड, हम आपको वो कट ऑफ दिखा देते हैं फ्रेंड। देखिए, आपको कट ऑफ पोस्ट वाइज आप देख लीजिए। डीएमआरसी सीआरए में लिखित परीक्षा में 180 प्रश्नों के दो पेपर थे जो उम्मीदवारों की क्षमताओं को आंकने के लिए थे। 1/3 अंक का नकारात्मक अंक था पेपर एक और पेपर दो के लिए पोस्ट वार कट ऑफ नीचे दी गई। तो फ्रेंड, हम आपको कट ऑफ देखिए सेक्शन ए के लिए है फ्रेंड। फर्स्ट और सेकेंड में, फर्स्ट में 60 मार्क्स है और सेकेंड में फर्स्ट एंड सेकंड को मिला के 75 और 47। UREWS OBC SC ST इन पांचों के लिए 47.384, 45.3984, 44.574, 40.9, 41.779। और हम आपको सेकंड पेपर बता रहे हैं, फर्स्ट एंड सेकंड को मिला के 57.764, 54.534, 54.119, 59.564, 58.17। फ्रेंड, हम आपको असिस्टेंट मैनेजर यस एंड टी के बारे में, इसमें भी फर्स्ट में 60 मार्क्स है और सेकंड फर्स्ट एंड सेकंड को मिला के 75 मार्क्स है। URSC ST इसमें तीन ही है, 46.163। URSC के लिए 42.658 और SC के लिए 39.5, 56.685, 52.7, 46.714। असिस्टेंट मैनेजर सिविल के लिए UREWS OBC SC ST इसमें पाँचों हैं और इसमें फर्स्ट एंड सेकंड पेपर को मिला के फर्स्ट में 60 मार्क्स के हैं, 38.117%, 35.822, 36.483, 33.2544। और फर्स्ट एंड सेकंड को मिला है जो 75 मार्क का है, 49.749, 46.405, 47.354, 43.198 और 42.362। और हम आपको आगे की जानकारियां और दे रहे हैं। असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशन के लिए फर्स्ट पेपर में 60 मार्क का UROBC SC ST इसमें पाँच ही है, 44.227, 43.195, 40.184, 35.474। फर्स्ट एंड सेकंड को मिला के 75 मार्क का है, 58.305, 57.768, 52.187, 47.389। हम आपको असिस्टेंट मैनेजर आर्किटेक्ट के बारे में बताएंगे, फर्स्ट में 60 और फर्स्ट एंड सेकंड को मिला के 75 नंबर का है। इसमें सिर्फ UR और OBC है, जिसमें UR के लिए 29.619 और OBC के लिए 25.957 है। और फर्स्ट एंड सेकंड पेपर को मिला के 75 मार्क है, 42.8847 और 38.352। और असिस्टेंट मैनेजर ट्रैफिक का है, जिसके लिए फर्स्ट पेपर में 60 मार्क्स है, 28.452 इसलिए सिर्फ UR के लिए, और फर्स्ट एंड सेकंड में 75 मार्क है जो 40.314 है। और असिस्टेंट मैनेजर स्टोर्स के लिए फर्स्ट पेपर में 60 मार्क का जो उसमें UR और OBC है केवल, 43.049, OBC के लिए 38.178, फर्स्ट एंड सेकंड पेपर को मिला के 75 मार्क है, 54.920, 47.627। फ्रेंड, हम आपको और आगे की जानकारियाँ दे दे रहे हैं। असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस, इसमें UR और ST है। तो फ्रेंड, ये फर्स्ट पेपर 60 मार्क का और फर्स्ट एंड सेकंड मिला के 75 मार्क का, 40.211, 36.169 और 50.475, 41.1। और असिस्टेंट मैनेजर लीगल के लिए फर्स्ट पेपर 60 और दोनों लगभग सेम, सब एक ही जैसा है।
यूआर और ओबीसी में क्या होगा, 33.225, 27.240, 47.205, 43.325, एग्जीक्यूटिव पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर 2 ईयर, सेक्शन सी। इसी हम आपको सेक्शन सी के बारे में बता रहे हैं, इसमें असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल के लिए, इसमें यूआर ही है, इसमें से फर्स्ट पेपर 60 मार्क और सेकेंड और फर्स्ट को मिला के 75.42.40540 यह फर्स्ट पेपर में, और सेकंड पेपर में 52.698। फ्रेंड आप हमारी आगे की जानकारी असिस्टेंट मैनेजर आईटी के बारे में, इसमें यूआर ओबीसी एससी तीनों है, इसमें फर्स्ट पेपर में 60 और सेकंड में 70, जैसे कि हम आपको बहुत देर से बता रहे हैं 27.777 यूआर के लिए और ओबीसी के लिए 24.757, तो एससी के लिए 23.602 और यूआर के लिए 37.548, ओबीसी के लिए 35.627 और एससी के लिए 34.940। असिस्टेंट मैनेजर यस एंड टी असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस, इसके लिए नॉट रिलीज्ड है, आप देख सकते हैं यहाँ पे नॉट रिलीज्ड लिखा हुआ भी है। तो फ्रेंड पेपर फर्स्ट और सेकंड को मिला में अलग अलग पास करने वाले कंप्यूटर आधारित परीक्षा फर्स्ट और सेकंड दोनों में के विचरणी क्षेत्र के कुल मिलाकर निकाले गए मेरिट लिस्ट में हाई रैंक वाले अभ्यर्थियों को अगले चरण अर्थात मानसिक परीक्षा और मेडिकल के लिए दिल्ली NCR में बुलाया जाए। फ्रेंड यह जैसा कि हमने आपको बताया कि आपको इतनी सारी चीज़ें पास करने के बाद आपको साइको टेस्ट और आपके मेडिकल के लिए आपको दिल्ली NRC बोर्ड में बुलाया जाएगा, NCR बोर्ड में, सॉरी फ्रेंड हमने ध्यान नहीं दिया। तो फ्रेंड हम आपको आगे और जानकारी देते रहे कि आपको कट ऑफ को प्रभावित करने वाले वो फैक्टर कौन से होंगे, तो फ्रेंड आपको वो फैक्टर भी दिखा दे रहे हैं हम। कंप्यूटर आधारित योग्यता परिणामों के मूल्यांकन के लिए नॉर्मलाइजेशन विधि को अपनाया जाता है, क्योंकि CBT को फर्स्ट से अधिक पाली में आयोजित की जाती है। कट ऑफ निर्धारित करता है कि कौन सा उम्मीदवार भर्ती प्रक्रिया में अगले चरणों के लिए उपस्थित होने की योग्य, अवरोही क्रम में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी। कट ऑफ निर्धारित करने के महत्वपूर्ण फैक्टर निम्नलिखित हैं, फर्स्ट है अब शामिल हुए अभ्यर्थियों की संख्या, दूसरा है रिक्तियों की संख्या, तीसरा है मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन, चौथा है डे वाइज पेपर के स्तर, अभ्यर्थियों की कटक भी, फाइव नंबर अभ्यर्थियों की सटीकता एक्यूरेसी, हल किए गए प्रश्नों की संख्या। फ्रेंड हमने आपको इतना बता दिया कि इसके फैक्टर क्या, हम आपको उनकी नियुक्ति और अभ्यर्थियों का वेतन बताएंगे। DMRC के कस्टमर रिलेशन असिस्टेंट के रूप में नियुक्त किए गए उम्मीदवार को वेतन 35,000 से 1,10,000 तक के अनुसार समय समय पर लागू IDEA औद्योगिक DA के साथ समय समय पर अन्य भत्ते जैसे कि HRA या रिलीज, चिकित्सा लाभ, EFE, ग्रेजुटी और बीमा भर्ती कर्मचारियों के लिए लागू नियमों के अनुसार दिया, इनको ये सारी फैसिलिटीज दी जाती है, जैसे उनको DA, HRA, चिकित्सा, मतलब उनको हॉस्पिटल की फैसल, EPF, ग्रेजुटी, बीमा भर्ती, ये सब दी जाती है। तो फ्रेंड आप हमारे वीडियो फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और साथ में ऑल पर भी क्लिक करिएगा जिससे आपके पास हमारे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन जाते रहें। और फ्रेंड हमें एक लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, साथ में हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।